अलीगंज में सन की जीजा ने कवारी साली पर चाकुओं से बौछार कर दी। खून से लथपथ साली को परिजनों ने अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, वहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की माने तो इसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में मौजूद परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार साली की गलती महज इतनी थी कि पिछले करीब एक पखवाड़े से वह जीजा की बात अपनी बहन से नहीं करवा रही थी। जीजा मोबाइल से कॉल कर के थक चुका था। साली के इस रवैये से आज जीजा ने इस घटना को अंजाम दिया। साली के इस कृत्य से जीजा को गुस्सा आ गया और सोमवार की शाम वो अपने ससुराल लालगंज सेहरा आधम का। ससुराल में लोगों ने जीजा सोनू को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। इसके बाद तो जीजा का गुस्सा चरम पे पहुंच गया। वह अपनी जेब से चाकू निकाला और साली उमा पर प्रहार करने लगा। इस घटना में साली गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है। स्वर्ण रानी के साथ आनंद मोहन। दिनांक 18/4/2022 10:20 पे एक उमा के मारी उम्र 20 साल लालगंज सेहरा से एक लड़की आई, जिसके की शरीर के विभिन्न हिस्सों में चाकू से वार प्रतीत होता है और इलाज समुचित इलाज अभी जारी है और लड़की अभी स्थिर। सर का पता है, मेरा नाम डॉक्टर गौतम कुमार है, पालीगंज अनुमंडल अस्पताल पालीगंज मेडिकल। सही होने कैसे होले बेटी भी ऑपरेशन होल तो फोन करी थला करो जो फोन कर रहा ला तो एक दिन दांत लग गया तो पानी रात के चढ़ावे नहीं ला पालीगंज रात के असगर में पानी चढ़ावे वहाँ हो हॉस्पिटल में संस्कार में तो हमारे बेटी कल छोटकी की रोज रोज फोन करा मम्मी के पैसा लगी था तू पैसा एको बहन के दिला है आ इतना देर रह के खा पी के गेला से तो रंडी भोसड़ी है बीजी कॉल में बेटी ना दिलक मोबाइल जहने से लड़ाई झगड़ा करे लगल कि काहे बीजी कॉल में नहीं ले बस यहाँ लड़ाई होल लड़ाई उसी के लिए हुआ है। हाँ यही ला बस कि हमारे मेहरा से काहे न बतिया देती है तो पानी चढ़ावे थी रुपया लगावे थी हम तो कल फोन में बंद कर तनि दू चार दिन आठ दिन दस दिन ना फोन कर यही ला हमने नाराज ली बस। कौन मारा है चाकू? सोनू कुमार सोनू। कौन है लड़की के? जीजा। क्या नाम है इनका? उमा कुमारी। घर कहाँ है? लालगंज सेहरा। क्या नाम है आपका? हमारा तो बिंदा देवी। आपकी बेटी है?